पूर्वांचल की ऐतिहासिक धर्मस्थली माता तरकुलहा धाम के व्यापारियों ने आज दिनांक 5 नवंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को प्रातःकाल 7 बजे साष्टांग परिक्रमा करते हुए मंदिर पहुंचे और सभी व्यापारियों ने खप्पर महाआरती करने के बाद हवन पूजन किया तथा प्रसाद वितरण किया। प्राप्त समाचार के अनुसार तरकुलहा धाम में अपनी जीविका चला रहे सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण से मुक्ति, भव्य मंदिर एवं मेला परिसर निर्माण, शांति एवं सुरक्षा के लिए मां तरकुलही देवी के मंदिर में मां तरकुलही देवी व्यापार मंडल वेलफेयर सोसाइटी एवं मां तरकुलही देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में व्यापार मंडल कार्यालय श्री राजेंद्र चौहान के निवास से संरक्षक श्री राजेंद्र चौहान के द्वारा साष्टांग परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर में सभी व्यापारियों ने खप्पर महाआरती एवं हवन पूजन करने के उपरांत व्यापारियों एवं श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण का कार्य किया गया। बताया जाता है कि पिछले वर्ष भी व्यापार मंडल तरकुलहा के द्वारा इसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया गया था, जिसमें व्यापारियों के साथ साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया था। इस धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक गण श्री राजेंद्र चौहान, रमेश जी राय एडवोकेट, माँ तरकुलही देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन चौहान, उपाध्यक्ष हिमाचल साहनी, महामंत्री मुनीलाल चौहान, कोषाध्यक्ष दीनानाथ जायसवाल, माँ तरकुलही देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राज नारायण सिंह, उपाध्यक्ष सुभाष पासवान, एडवोकेट महामंत्री राजेश जायसवाल, हरीश राजभर, सुग्रीव साहनी, उदय भान चौहान, राम नयन अमरनाथ जायसवाल, उदय भान शर्मा, वकील चौहान, राम हरि चौहान, इंदल राजभर, विश्वंभर शर्मा, धर्मेंद्र जायसवाल, ध्रुव जायसवाल, छोटेलाल मोदनवाल, जयप्रकाश सैनी, राम हरि चौहान, बबलू पासवान, राम भाई किशन चौहान, विनोद चौहान, ईश्वर चंद तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, धन प्रकाश वर्मा, विनोद वर्मा, दीपक सिंह, गुरु सिंह, राजेश यादव, विकास पांडेय, श्रीमती शारदा देवी, सोना देवी, माया देवी, मुनी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एवं श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सहभागिता किया। विनोद पासवान की रिपोर्ट।